नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति पर। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो रोज नए नए ट्विस्ट सामने आ ही रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव जो है जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, अलग अलग खेल देखने को मिल रहा है। अब नए खेल में ये सामने आया है कि उद्धव ठाकरे जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कांग्रेस और NCP दोनों जो है उद्धव के साथ जाकर अपना नुकसान नहीं चाहते हैं। क्या ये बात सही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्ते जी से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सर, क्या लगता है आपको, जो बातें हमने कही कि उद्धव ठाकरे इस बार लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, साथ में शायद प्रकाश अम्बेडकर जो है उनके साथ नहीं सकते, वंचित। सर, कैसा हुआ है ना कि उद्धव ठाकरे जी अभी तक नींद से जागे नहीं है, जागे ही नहीं है। उनको अभी वही वो ख्वाब में ही है। उनको ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम मेरे 18 खासदार आए थे, पर वो ये भूल गए कि 18 में से 17 तो मोदी की वजह से आए थे, 18 नाम के लिए आए थे। आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि जो BJP के लोग आए वो हमारे वजह से आए, बाला साहब की वजह से आए हैं? नहीं सर, बाला साहब नहीं थे ना। बाला साहब का बोलते हैं ना बार बार कि बाला साहब का फोटो लगा के जो है BJP ने चुनाव लड़ा। सर, वो उनका देहांत हो गया समय जी, तो मोदी की वजह से आए ना, पूरे देश भर में आए। सर, सीधी बात है, आप थाना में राजन विचारे को आप वोट देते थे क्या? कितना भी सामने कोई भी हो, आप राजन विचारे को वोट नहीं देते थे? सिर्फ वो मोदी का कैंडिडेट था, करके दिया। मैंने भी दिया, बिल्कुल मैंने भी राजन विचारे को दिया, वो मोदी को देख के दिया। मैं तो जिंदगी में मैं राजन विचारे को वोट नहीं देता था। वो लोकसभा लायक नहीं, वो ग्राम पंचायत अपना नगर सेवक लायक ही है। तो ऐसा जगह जगह पे हुआ और इनके 18 चुनके आए। तो अभी जब बात निकलती है कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ, तो वो बोलते हैं कि हमारे तो 18 है ही, तो हमको तो वो मिलनी ही चाहिए सीट। 18 सीट जो हमारी है अभी शिवसेना की, भले वो लोग आए हमारे साथ नहीं है वो बात अलग है, पर वो सीट हमारी है। उससे ज़्यादा तुम वो शिवसेना अपने राष्ट्रवादी है, वो भी टूट गई है अभी जी। तो आपके भी दो ही बचे हैं, तीन बचे हैं। तो आपको भी तीन का थोड़ा बढ़िया चाहिए, तो हमको भी, हमसे जो 18 है उसका करीबन 22-25 तक होना चाहिए। चलो 20-22 तो सही, ज़्यादा तो मिलने चाहिए। फिर कांग्रेस वाले का तो एक था, वो भी मर गए। फिर भी कांग्रेस वाले बोलेंगे हमारी हवा है तो हमको भी चाहिए। तो तीनों को 16-16-16 करो, 16-16 करेंगे वो बोलेंगे 18 तो हमारे पहले थे। उसमें भी काट छाट कर रहे हैं। और जिनका एक भी नहीं है वो भी 16 मांग रहे, ये भी 16 मांग रहे। तो ऐसा लक्षण है कि संजय राउत, मिलिंद अपना नार्वेकर वगैरह, अनिल परब, सरदेसाई, वरुण सरदेसाई वगैरह सब जो है वो भी बोल रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो अपने बलबूते पर आएंगे, तो आगे चल के अपना रौब जमा रहेगा विधानसभा में। क्योंकि इसी हालत में वो फिर विधानसभा में भी बोलेंगे वंतर करो। तो उससे अच्छा है कि हमारे जो है वो है, और इनके साथ गए तो भी हमारे डूबने वाले ही है, तैरने वाले। कि राष्ट्रवादी में अकेले शरद पवार में वो ताकत नहीं है जी, कि उनको चुन के लाए। कर्नाटक में लोकल लीडर ऑलरेडी पावरफुल थे जी, इसके लिए वहाँ पे सत्ता आई। महाराष्ट्र में कोई कांग्रेस के पास पावरफुल लीडर है ही नहीं, और जो है वो भी BJP की तरफ कभी भी भाग सकते हैं, ऐसे हैं। तो शिवसेना खुद भी ज़्यादा उत्सुक नहीं है युति के बारे में। और प्रकाश अंबेडकर का ऐसा है कि प्रकाश अंबेडकर की नीति ही यही रही है कि भारतीय जनता पक्ष को जहाँ से जिस प्रकार से मदद कर सकेंगे वो अप्रत्यक्ष रूप में, MIM और वंचित, वो उनकी BCD क्या जो बोलेंगे वो टीम होती है हमेशा, तो उनकी वजह से गिरते हैं इनके BJP के अपोजिट वाले। तो वो शिवसेना को साथ में जाके शिवसेना वालों को भी डुबाएंगे। सर, कैसे है ना, शिवसेना का इतिहास जो है उबाठा उबाठा हाँ शिव उबाठा आप बोले सही,
उबाटा का जो इतिहास है ना वो बाला साहब का इतिहास है, और बाला साहब का इतिहास दलितों के खिलाफ रहने का है। सर, मराठवाड़ा विद्यापीठ को जो दंगे हुए जी उसमें शिवसेना थी। मराठवाड़ा विद्यापीठ का जब नामांतर शरद पवार ने करना चाहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विद्यापीठ, तो उसको अपोज करने वाले बाला साहब थे। तो बाला साहेब और दलित समाज एक खाई दरार पहले से है, दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं। हाँ, दोनों अलग विचारधारा के हैं। ये तो क्या करते हैं कि बीजेपी का फायदा होने के लिए, वोट तोड़ने के लिए वो किसको सपोर्ट देना है, तो इसको। अभी जो प्रकाश अम्बेडकर है वो तो ये भी बोलते हैं कि मैं महाविकास आघाड़ी में देना है, मैं शिवसेना बरोबर है। मतलब अभी ऐसा होगा कि शिवसेना कोटे में जो सीट मिलेंगे उसके बारे में कांग्रेस और राष्ट्रवादी बोलेंगे कि हमारा उनसे लेना देना है ही नहीं, तुमको हम जो दे रहे हैं 15, 16, 18, 20 क्या, उसमें आप अब अम्बेडकर को एकोमोडेट करो, हमारा कहीं नहीं, वो महाविकास आघाड़ी में है ही नहीं। अभी और प्रॉब्लम ऐसा है कि पहले सीट जेमतेम मिल रहे शिवसेना वालों को, उसमें प्रकाश अम्बेडकर बहुत डिमांडिंग है जी। वो बोला था 1/3 मुझे दे दो, कि तुम्हारी भी ताकत नहीं है कुछ, शिंदे की ताकत है, तो 1/3 तो 18 मिले या 16 मिले तो उसमें से ये लेके जाएगा 1/3, तो रहेगा क्या। अंबेडकर का पूरे महाराष्ट्र में एक भी आमदार खासदार नहीं है ना, और आने की संभावना भी नहीं है, वो जमाना गया पहले वाला। तो जिसका एक भी खासदार अपने बलबूते पर नहीं आता है, शिवसेना भी सपोर्ट करेगी तो नहीं आता है, नहीं आने वाला है, वो खाली इनकी 6 जगहें कम करेगा, 1/3 जगह बोलेगा 1/3 मुझे चाहिए, नहीं तो वो लास्ट मोमेंट को दगा देगा, बोलेगा नहीं जमा हमारा, उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, उसको जिसको चुनना जीतना ही नहीं है उसको हारने का डर नहीं होता है। अभी आज रामदास आठवले ने भी एक बयान दिया है, क्या दिया, कि उद्धव ठाकरे हमारे साथ में आ जावे मैं उनको डिप्टी सीएम बना दूंगा। डिप्टी सीएम क्यों, उनके से रामदास आठवले पाँव पकड़ पकड़ के तो खुद मंत्री बने भाई, आम खासदार की के लिए भी उसको कितने नाक में दम लाया था बीजेपी वालों ने, राज्यसभा से दिया। हाँ, और जब वो राज्यसभा में गैप आ गई तो उसका सामान उठा के फेंक दिया था, याद है, वो जिस घर में रहता था उस घर का पोजीशन छोड़ना था, जैसे राहुल गांधी ने एक दिन में छोड़ दिया, ये छोड़ नहीं रहा था 6 महीने होने के बाद, और वो खासदार नहीं था अपना रामदास, तो रामदास मैं बोलता हूँ मित्र थे मेरे, मित्र हैं अभी भी, आप रामदास को कभी भी पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ नहीं थे मेरे मित्र हैं। तो सर उनका सामान भी मैं उठा वास्ते भी भेज दिया, मतलब इनकी तो ये जिसका सामान बाहर फेंकते हैं वो दूसरे का सामान कहाँ उप मुख्यमंत्री के बंगले में रखेगा, टोंट मारे कहाँ उप मंत्री क्या है, टोंट मारे होंगे वो, नहीं सर नहीं टोंट नहीं मारा, वो क्या है ना वो भाभड़ा कवि है, शीघ्र कवि है जी, वो किसी भी कविता कहीं भी फेंक देता है उसके लिए क्या है ना एकदम उसका कविता जो है ना उसके शब्द है ना वो थूक के बराबर है जी, तो ऐसे उड़ते रहते हैं वो, कोई कोई आदमी रहता है ना उसका बोलते समय थूक उड़ता है, वैसे उनकी कविताएं छोटी छोटी चार उली की कविता ऐसे थूक के जैसे उड़ती रहती है, और लोग हंसते भी है जम के हाँ। उसको मगर उनको उसका कुछ बुरा नहीं मानते वो सर। वो रामदास आठवले के बारे में सब्जेक्ट निकल आया करके मैं बोलता हूँ कि रामदास आठवले एक पूरे देश में ऐसा है जो इसकी तुलना राजनारायण से की जा सकती है। एक जमाने में आप शायद मालूम नहीं मुझे, राजनारायण करके जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया, वो ऐसे मजाक किया थे, उनको जोकर ही बोला जाता था उनको जोकर ही, राजनारायण को जोकर बोला जाता था सर। उसके बाद बहुत जमाने के बाद ऐसा कोई विदूषक पैदा हुआ है कि जो लोगों का अच्छी तरह से मनोरंजन करता है, और लोकसभा में हो या पब्लिक में हो किधर भी हो वो ऐसी बातें करते हैं, उनको मालूम है जी। सर हमारे यहाँ एक मराठी कार्यक्रम होता है तो उसमें उनका मजाक किया, ये बहुत बार कॉमेडी किया जाता है, लोगों को बहुत पसंद आता है। सर कैसे है ना कि रामदास आठवले जो है ना वो पॉलिटिशियन असल में है ही नहीं, पॉलिटिशियन है नहीं, वो एक क्या बोलेंगे हंसी मजाक में रस लेने वाले, एक भाभड़ा बोलते ना अपन वैसे भाभड़ा उस प्रकार भाभड़ा, इनोसेंट बोलो इंग्लिश में बोलेंगे तो इनोसेंट आदमी है। एक समाज के समर्थन में देखो प्रकाश अम्बेडकर को समर्थन है पर पद हमेशा इसको मिलते हैं जी, प्रकाश अम्बेडकर नहीं मिलते। एक जमाने में शरद पवार ने बोला था कि मैं प्रकाश अम्बेडकर को मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहा हूँ,
मगर जिंदगी भर प्रकाश अंबेडकर ने अगर किसी का द्वेष किया होगा तो वो शरद पवार साहब का। लास्ट टाइम भी वो उन्होंने ये बोला कि जहाँ पे राष्ट्रवादी होगी हम नहीं जाएंगे। अभी भी वो उनका वही है, राष्ट्रवादी टूट गई सब उधर गए, फिर भी उनका शरद पवार से दुश्मनी है जी करके। तो वो अभी चलो हमने रामदास अठावले जी जो है वो जो है जैसे है उनको स्वीकार किया है, मगर उन्होंने उप मुख्यमंत्री का ऑफर देना इसका कोई मतलब नहीं। मैं अगर मुख्यमंत्री का ऑफर देता हूँ अभी तक तो मैं टोंटी समझ रहा हूँ ये। मैं टोंट नहीं है, वो क्या है ना कभी कभी समझ में नहीं आता। एक बार मैं उनको इधर गोरेगांव आर्य में मिला था तो मैंने उनको ऐसे ही बाजू में बैठा था फंक्शन में, तो मैंने बोला आपको ऐसा नहीं लगता है लोग आपको मजाक उड़ाते हैं? बोले मुझे मालूम है लोग मजाक उड़ाते हैं मगर एंजॉय करते हैं। इतने मंत्री हैं महाराष्ट्र केंद्रीय मंत्रिमंडल में, आप अगर बोलेंगे तो 5 भाजपा के मंत्रियों के बाद अगर किसका नाम देश भर में लोगों को मालूम है तो मैं ही हूँ। हाँ। मेरे मजाक की वजह से उभर है तो मैं एंजॉय करता हूँ और मैं बोले बुरा नहीं मानता हूँ जी। कभी ऐसा लगा कंट्रोवर्सी में आएगी? वो बोले देखो ये पैसा खा के बदनाम होते हैं, मैं मेरी मजाकिया उससे बदनाम हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जोक करता हूँ कविता लिखता हूँ ठीक है वो अलग है सब। यहाँ पे कुल मिलाकर क्या कहेंगे सर? सर एक तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो है इनका भी मिलाप होना मुझे मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस के सर में बहुत गैस गया है और राहुल और सोनिया जो है ना उनके बजाय ये सूर्यापेक्षा वाड़ू गर्म, जो रेत रहती है वो ज्यादा गर्म होती है। वैसे हमारे महाराष्ट्र के नेता जो ज्यादा गर्म हुए अभी समझ में आ जाएगा सर इंडिया का जो बैठक है यहाँ पे क्या समझ में आएगा कौन मतलब किसके साथ में क्या कर रहा है? नहीं समझ में आएगा सर। उधर हाजिरी तो केजरीवाल भी लगा रहा है इतना गाली देने के बावजूद, फॉर्मेलिटी रहेगा अब वो फॉर्मेलिटी है वहां जाके करने का। अभी लड़ाई दूर है तब तक एक दूसरे को संभालेंगे, उतना क्रिटिसिज्म कम से कम वहां से कम होगा जी। नहीं तो ये लोग एक दूसरे की चड्डी उतारने में बहुत लगे हुए हैं, तो कम से कम मेरी चड्डी तो नहीं उतारेगा तब तक जब तक इलेक्शन निकले नहीं होते। बाद में तो एक दूसरे की चड्डी शर्ट सब बनियान अंडर पैंट सब उतारना ही एक दूसरे को इनको, तो उधर जी अकेले पड़ जाएंगे ऐसा मेरा ये है। और प्रकाश अम्बेडकर भी उनको दगा देंगे और उनको अकेले ही लड़ना होगा और वो उस समय थ्रेट करेंगे मैं 48 से लड़ूंगा, बीजेपी वाले बोलेंगे वेलकम। सर अगर आपको कोई सलाह देने की बात आई आपके सामने, आपके तो मित्र हैं संजय राउत, तो क्या सलाह देंगे उद्धव ठाकरे को आप लोकसभा के लिए? लोकसभा के लिए मैं संजय को सलाह ये दूंगा कि वैसे तो तूने ही शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया फडणवीस ने, उद्धव को भी अब तीसरा किसको बनाएगी? नहीं नहीं तो अभी ऐसा है कि उसको तुमने गले तक डुबाया है जी, अभी सर से ऊपर से पानी जाने दो, उसको ऐसा सलाह दो कि 48 लड़ो और 48 में से एक भी जगह उसका डिपॉजिट नहीं बचेगा ऐसा देखो, और नहीं बचेगा जी सर। ये 48 जगह लड़ते हैं ना उद्धव ठाकरे, एक जगह भी डिपॉजिट बचेगा नहीं। अगर वो 3 या 4 ही सीट लड़ते हैं तो एक जीत के आएंगे जहाँ बाकी 3 में डिपॉजिट बचेगा। हालत खराब है, बहुत खराब है। ये सूर्यास्त हो चुका है, अभी सूर्यास्त हो चुका है जी। धन्यवाद धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि लोकसभा के चुनाव के में जो है अलायंस की अगर बात होती तो महाविकास आघाड़ी किस तरह जो है आगे बढ़ रही है, यानी उद्धव ठाकरे के जो है महाविकास आघाड़ी में कौन सी जगह है या साथ में कोई है कि नहीं है, यानी कांग्रेस और एनसीपी ने बॉयकॉट करने का मन बना लिया है, इसी को हम चर्चा कर रहे थे। सर ये मेरी खबर भी है थोड़ी, अपने जो दोस्त है कांग्रेस और इसमें वो बोलते हैं हमको शिवसेना उबाठा नहीं चाहिए साथ में, तो इस विषय पर आपका भी कोई प्रतिक्रिया रहेगा तो हमें व्हाट्सएप पे जो है कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।